आरती चौधरी, सभी को बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कमेंट कर दीजिए कि ऑडियो वीडियो सब कुछ ऑल ओके है, ठीक है? एक बार जरा कमेंट कर दीजिए कि ऑडियो वीडियो सब कुछ ऑल ओके है, फटाफट से। बिल्कुल जी, कमेंट सेक्शन में सब लोग एक साथ लिखेंगे क्या? राधे राधे। बिल्कुल जी, एक साथ लिखेंगे क्या बेटा? राधे राधे। ओके, राम राम जी, राम राम। ऑल ओके है। चैप्टर का नाम पता है आज हम लोग क्या करने वाले हैं? चैप्टर का नाम पता है। अच्छा, कितने बच्चों ने अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाया है जरा एक बार मुझे ये बताइए। कितने बच्चे ऐसे हैं क्लास में जो मेरी इस समय की मेहनत को सच में वसूल करना चाहते हैं और उन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे क्लास को शेयर किया है? बस व्हाट्सएप स्टेटस पर तुम लोग शेयर कर दो, दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं चाहिए भाई कुछ भी। हाँ बताइए। बिल्कुल जी, फटाफट बताइए। चले मैम, मैंने लगाया है, बॉटनी है, ठीक है, ओके। अगर आपने देखो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल के आइकन में आप लोग ऑल को प्रेस करेंगे जिससे कि ताकि सारी क्लासेस की सारी नोटिफिकेशन आप तक समय तक पहुंच सके। देन उसके बाद में आप लोग आर्डर 24/7 की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करेंगे या फिर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक मिलेगा जहां से आप लोग डायरेक्ट, मेरे नाम के साथ में एक लिंक मिलेगा, ठीक है, जहां से आप लोग डायरेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल जी, तो बेटा आज हमारा आपका चैप्टर क्या है? बॉटनी, ठीक है। बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। अगर मैं पूछूं हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, पहला क्वेश्चन, फादर ऑफ बॉटनी कौन है बताइए? फादर ऑफ बॉटनी कौन है फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि बहुत बार बताया है। फादर ऑफ बॉटनी कौन है बेटा आपके? थियोफ्रेस्टस। कौन है आपके? थियोफ्रेस्टस साहब है, ठीक है। फादर ऑफ बॉटनी कौन है आपके बेटा? थियोफ्रेस्टस है, ठीक है। अब देखो बेटा, हमारा जो ये चैप्टर चलेगा, ये चलेगा आपका प्लांट किंगडम पे। किस पे चलेगा बेटा आपका? प्लांट किंगडम पे चलेगा। तो अगर हम लोग प्लांट किंगडम की आपकी बात करें तो प्लांट किंगडम को बेटा हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पादप जगत को, प्लांट किंगडम को, प्लांट किंगडम को यानी कि पादप जगत को हमने दो पार्ट में आपका डिवाइड किया है, ठीक है। इसको हमने आपका दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है आपका क्रिप्टोगैमस और एक है आपका फैनरोगैमस, ठीक है। एक क्या है बेटा आपका? क्रिप्टोगैमस और एक क्या है आपका? फैनरोगैमस। क्रिप्टोगैमस, क्रिप्टोगैमस, देन दूसरा क्या है आपका? फैनरोगैमस, फैनरोगैमस, ठीक है। फैनरोगैमस यानी कि आपका क्या है? पुष्प सहित, पुष्प, पुष्प रहित, सॉरी, ये आपका पुष्प रहित है, यानी जिस पर आपके फूल नहीं आते, जिन पर आपके क्या होते हैं बेटा? फूल नहीं आते हैं, क्लियर। मैम आप बायो ज्यादा पढ़ाती हैं बेटा, ये आपका बायो लास्ट है, फिर उसके बाद आपकी केमिस्ट्री शुरू हो जाएगी। पुष्प रहित और बीज रहित, जिन पे आपके पुष्प और बीज नहीं आते हैं, ठीक है। फैनरोगैमस पुष्प सहित, फैनरोगैमस पुष्प सहित और बीज सहित, मतलब जिनमें आपके बीज भी आते हैं और पुष्प भी आते हैं, क्लियर जी। क्रिप्टोगैमस जो है बेटा, इसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम आपका फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा और, ठीक है, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, टेरिडोफाइटा। देन उसके बाद में बेटा जो आपका फैनरोगैमस है, इसको हम फर्दर आपका दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको भी हम आपका फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और आपका जिम्नोस्पर्म, और आपका जिम्नोस्पर्म, ठीक है जी। एंजियोस्पर्म और आपका क्या बेटा? जिम्नोस्पर्म, ओके। एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी, इसको हिंदी में बोला जाता है आवर्त बीजी। पूरा चार्ट बना दूं बेटा पहले एक बार, फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इस एक चार्ट से आपका एक नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। आवर्त बीजी, ठीक है, अनावर्त बीजी, अनावर्त बीजी,
क्लियर जी, अनावर्त बीजी। देन उसके बाद में बेटा किसको, एंजियोस्पर्म को हम फर्दर आपका दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एंजियोस्पर्म को फर्दर हम आपका दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्लियर जी, मोनोकोट डाइकोट, मोनोकोट एक बीज पत्री एंड डाइकोट दुई बीज पत्री, एंड डाइकोट दुई बीज पत्री। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपका 30 सेकंड के लिए स्क्रीन से हट जाती हूँ बिल्कुल अलग। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस एक पूरी स्लाइड से आपका एक नंबर का क्वेश्चन पूरे पूरे चांसेस है बेटा आने के, पूरे पूरे चांसेस है। यहाँ पर एक और लिख लीजिए, थैलोफाइटा फिर आपका फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, एल्गी एंड फंजाई, एल्गी एंड फंजाई, सैवाल और कवक, ये आपके थैलोफाइटा में आते हैं। ठीक है, ओके जी। लो बेटा थोड़ा सा और ऊपर कर देती हूँ, अब विजिबल होगा इजीली, अब विजिबल होगा ना इजीली। बेटा बीमारी से संबंधित मैं आपकी बीमारी की पूरी क्लास ले चुकी हूं, मैंने दो दिन आपको ह्यूमन डिजीज कराई है, शायद आपने नहीं लिए, ठीक है शायद आपने नहीं लिए बेटा, लेकिन मैं दो दिन आपको डिजीज की क्लास करा चुकी हूँ। ओके जी, चलो बेटा अब आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले हम लोग क्रिप्टोगैमस के बारे में बात करते हैं। किसके, क्रिप्टोगैमस, क्रिप्टोगैमस यानी ना तो इनमें आपके फूल होते हैं, ना तो इनके अंदर आपके फूल पाए जाते हैं, ना ही इनमें आपके बीज पाए जाते हैं, ना ही इनमें आपके बीज पाए जाते हैं। सबसे पहला सब टाइप मैंने आपको लिखवाया था क्या, थैलोफाइटा, क्या लिखवाया था बेटा आपको, थैलोफाइटा लिखवाया था। इनकी जो संरचना होती है, जो इनकी स्ट्रक्चर होती है, जो इनकी संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, वो कैसी होती है, थैलस होती है, थैले के आकार की होती है। कैसी होती है बेटा, थैले के आकार की होती है, थैले के आकार की होती है, ठीक है जी, थैले के आकार की होती है। दूसरी बात, ना तो इन पर बेटा आपके बीज आते हैं, ना तो बीज बनते हैं, ना ही इन पर आपके फ्लावर होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से किसके आप, किसके आपके बीज और क्या बेटा आपके फूल और बीज इनमें से किस टाइप के पौधों पर नहीं आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि थैलोफाइटा जो होते हैं इन पर आपके बीज और जो आपके बेटा फूल है वो नहीं आते। ठीक है, क्लियर। एल्गी और फंजाई आपके किस में आते हैं बेटा, थैलोफाइटा में आते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ एल्गी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ एल्गी को हम लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, आपका फाइकोलॉजी बोला जाता है। ओके जी, अगला क्या है बेटा आपका, ब्रायोफाइटा। अगला लिखिए आप लोग क्या, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा। इसको हम प्लांट किंगडम का आपका क्या बोलते हैं बेटा, ये प्लांट किंगडम के आपके एम्फीबियंस होते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है जी, पादप जगत के ये आपके उभयधर्मी होते हैं। ठीक है, ये आपके पादप जगत के उभयधर्मी होते हैं, ये अधिकतर आपके नमी वाले एरिया में पाए जाते हैं, ये अधिकतर आपके नमी वाले एरिया में पाए जाते हैं। इनकी जो संरचना होती है वो थैले के आकार की होती है, यानी इनकी बॉडी भी आपकी थैलस होती है, मतलब थैले के लाइक की, मतलब तुम पता नहीं लगा सकते कौन सा स्टेम है, कहाँ जड़ है, कहाँ पर इनका आपका ऊपर वाला हिस्सा है, कुछ इसमें बता नहीं सकते, इनकी थैले के जैसी संरचना होती है। क्लियर, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी जड़ का नाम क्या होता है या रिजॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं, तो बेटा रिजॉइड्स जो होती है वो इनकी जड़ का नाम होता है, वो इनकी जड़ का नाम होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका ये पूछा जा सकता है। अब ऐसे तो बेटा देखो ब्रायोफाइटा में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ हमें कवर नहीं करना, हमें एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़नी है। ब्रायोफाइटा का मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ब्रायोफाइटा जो होते हैं इनमें आपका मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो मेल सेक्स ऑर्गन का नाम होता है एंथ्रीडियम, क्या होता है, एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम,
क्लोथ्रिडियम पुनधानी, क्या होता है बेटा आपका, पुनधानी। क्लियर। फीमेल सेक्स ऑर्गन, क्या आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है जी। इनका आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम देखो, हिंदी में तो बहुत आसान है आपका स्त्रीधानी, ठीक है ना, लेकिन इंग्लिश में होता है आपका आर्किगोरियम। इंग्लिश में आप लोग नाम लिखोगे आर्किगोरियम। स्त्रीधानी, ठीक है जी, स्त्रीधानी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, फिर इनके एग्जाम्पल मैं आपको लिखवाती हूँ, फिर इनके एग्जाम्पल लिखवाती हूँ। मैम आप लिखती बहुत अच्छा हो भाई, मुझे ना पूरी रात नींद नहीं आएगी। क्या नाम है आपका, दीपक तिवारी। मुझे ना ये कमेंट देख के ना रात भर नींद नहीं आएगी, किसी ने पहली बार लिखा है कि मैं लिखती बहुत अच्छा हूँ। इतनी गंदी राइटिंग है भाई मेरी, मेरे को ना टीचर बुलाते थे पढ़ के बता दो, मतलब बहुत गंदी भी नहीं है, लेकिन अगर मैं जल्दी 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 लिखती हूँ तो फिर सच में बहुत गंदी है। लाइक ऐसे लगता है जैसे चीटा नहीं होता, चीटा जो होता है उसको तुमने स्याही में डुबो दिया और फिर उसको पेज पे चलने के लिए छोड़ दिया है ना। डेली पुलिस बुक ऑर्डर कर दिया था, वो कर सकते हैं बेटा। वर्मा कब किया है आपने, वर्मा साहब आप ये बताइए आपने दिल्ली पुलिस की बुक ऑर्डर कब की है। मैं डेफिनेटली अपनी टेक्निकल टीम से अभी बात करती हूँ इस चीज पर कि अगर आपने बुक ऑर्डर किया है और 4-5 दिन का समय हो गया है और आप किसी आस पड़ोस के एरिया में रहते हैं तो डेफिनेटली बेटा, डेफिनेटली आपकी बुक अभी तक, हाँ अभी तक पहुंच जानी चाहिए थी। बट बेटा इनके फटाफट से आप लोग एग्जाम्पल लिखिए। देखो क्वेश्चन पता है क्या पूछा जाता है, लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा कौन सा है, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा। मतलब मेरी एक्चुअली राइटिंग ठीक है लेकिन थोड़ी सी लड़कियों से ना ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि लड़कियों की राइटिंग ज्यादा अच्छी होगी, दैट्स वाई कि मेरी वहां कंपैरिजन में गंदी है, ठीक है। ब्रायोफाइटा, लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा का नाम, एनी गैस, क्या किसी को पता है, बताइए फटाफट। लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा आपका कौन सा होता है, डॉसोनिया, कौन सा है बेटा आपका, डॉसोनिया। और स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा, यानी कि आपका सबसे छोटा ब्रायोफाइटा कौन सा है बेटा, जूपसिस, कौन सा है आपका, जूपसिस। क्लियर, ठीक है। हाँ बेटा इतनी भी ज्यादा ना मेरे को तुम लोग चने के पेड़ पे मत चढ़ाओ, सारे के सारे ही आप लोग लिख रहे हो कि भाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है राइटिंग। मैं सच में चने के पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, मेरे को रात में नींद नहीं आएगी भाई। मैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए बुक ऑर्डर की थी, मेरी बुक आ गई है, थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर अड्डा टीम, वेलकम अश्वनी बेटा। और मैं डेफिनेटली इस बात के लिए बहुत श्योर हूँ कि यहाँ की जो आपकी बुक है वो एरर फ्री है। दूसरी बात यार, मार्केट में इधर उधर घूमना नहीं है, पता है गर्मी कितनी तेज है, इतनी बुरी हवा है ना, एकदम लू ऐसे चाट जाएगी तुम लोगों को, है ना। ओके अगला लिखिए बेटा टेरिडोफाइटा, अगला आप लोग क्या लिखोगे, टेरिडोफाइटा, ठीक है जी, टेरिडोफाइटा। क्लियर, टेरिडोफाइटा। ये देखो बेटा अभी तक मैंने आपको जितने भी आपके टाइप लिखवाए ना, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ये सब के सब आपके पानी में पाए जाते हैं, लेकिन ये आपके वो प्लांट हैं जो जमीन पर यानी कि आपके लैंड पर पाए जाते हैं। इनके अंदर आपके वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग लिखिए, सबसे ज्यादा इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है और कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे क्या बेटा, फर्न प्लांट, यानी कि जो आपके फर्न के जो पौधे होते हैं वो टेरिड आपके किसमें आते हैं, टेरिडोफाइटा में आते हैं। ऑर्नामेंट प्लांट, ऑर्नामेंट प्लांट, ऑर्नामेंट प्लांट यानी कि आपके जो सजावट वाले पौधे होते हैं वो किसमें आते हैं बेटा, वो भी आपके किसमें आते हैं, टेरिडोफाइटा में आते हैं। इनको प्लांट किंगडम का रेप्टाइल्स बोला जाता है, यानी कि प्लांट किंगडम का सरीसृप किसको बोला जाता है, अगर आपसे ये बात पूछी जाए तो आप क्या लिखोगे बेटा, टेरिडोफाइटा को प्लांट किंगडम का सरीसृप बोला जाता है, ठीक है, टेरिडोफाइटा को प्लांट किंगडम का सरीसृप बोला जाता है। बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई,
ठीक है। अब बेटा हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पर, क्योंकि क्वेश्चंस की जो संख्या है ना बेटा वो आपकी आज थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चंस पर ज्यादा मूव करेंगे, क्योंकि थ्योरी में ना बोटनी में बहुत ज्यादा एक तो है नहीं, और क्वेश्चंस ही बच्चे सबसे ज्यादा इसमें प्रेफर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म यानी कि आपका सबसे बड़ा आपका अनावर्त, इसको आवर्त नहीं अनावर्त बीजी पादप इनमें से कौन सा है, डॉसोनिया है, रेडवुड है, वुल्फिया है या यूकलिप्टिस है, बताइए सबसे बड़ा, क्विकली बताइए। अब बस सब लोग आप लोग ए बी सी डी में आंसर करेंगे, ठीक है, आप सब लोग ए बी सी डी में आंसर करेंगे, फटाफट बताइए क्विकली। आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म को बोलते हैं, अनआवर्त बीजी है ये आपका, ठीक है, ये आपका अनआवर्त बीजी है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म आपका कौन सा है, लार्जेस्ट जिम्नियोस्पर्म आपका कौन सा है बेटा, आपका रेडवुड यानी कि सिकोया, ठीक है, आपका बेटा रेडवुड यानी कि सिकोया जो है ये आपका सबसे बड़ा प्लांट है, ये आपका सबसे बड़ा प्लांट है, जिसकी आपकी हाइट कितनी है बेटा, इसकी आपकी हाइट कितनी है 400 मीटर तक, ठीक है, जिसकी आपकी हाइट कितनी है बेटा 400 मीटर तक है। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार, नेक्स्ट वुल्फिया आपका सबसे छोटा है, डोसोनिया तो बेटा मैंने आपको अभी कराया था कि डोसोनिया तो आपका किस में आता है बेटा, ये तो आपका वैसे भी क्रिप्टोगैमस में आ रहा था, है ना, ये तो वैसे भी क्रिप्टोगैमस में आ रखा था। विच इज डायकोट प्लांट, निम्न में से कौन सा द्विबीज पादप है, विच इज डायकोट प्लांट, बताइए इनमें से आपका डायकोट प्लांट कौन सा है, इनमें से आपका डायकोट मक्का प्याज अदरक या फिर आम, डायकोट का मतलब होता है कि जब उसके बीज को तुम अंदर से देखो तो वो इस तरह से आपका दो हिस्सों में टूट जाए, बताइए इनमें से आपका कौन सा डायकोट प्लांट है, इनमें से आपका कौन सा डायकोट प्लांट है, फटाफट बताइए इनमें से आपका कौन सा डायकोट प्लांट है। अगर तुम लोगों ने टेस्ट सीरीज लगानी शुरू नहीं की है तो भाई शुरू कर दो, कौन सा डायकोट प्लांट है, बिल्कुल जी बेटा, क्या आपका मैंगो, मैंगो जो है आम जो है बेटा ये आपका डायकोट प्लांट है। विच वन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, निम्न में से पुष्प का नर प्रजनन भाग कौन सा है, पेटल्स है, ओवरी, ओव्यूल या पोलन ग्रेन्स, इनमें से आपका कौन सा पुष्प का जननांग भाग है, बताइए निम्न में से पुष्प का नर जननांग भाग आपका कौन सा है, फटाफट बताइए, तो कौन सा है बेटा आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं, ओव्यूल और ओवरी आपके किसके लिए होते हैं बेटा, ये आपके फीमेल के पार्ट होते हैं, पेटल्स किस लिए होते हैं, क्या आपको पता है कि फूलों में पंखुड़ियां किस चीज के लिए होते हैं, फटाफट से कमेंट में बताइए। और जितना बच्चा लाइव है सारा का सारा आंसर करेगा, अब जितना बच्चा लाइव है सारा का सारा आंसर करो, जो बेटा हमारी पेटल्स होती हैं, जो पंखुड़ियां होती है, वो फ्लावर में कभी आपने सोचा कि पेटल्स पंखुड़ियां क्यों होती है, फ्लावर्स के अंदर पेटल्स पंखुड़ियां क्यों होती है, क्या आपने कभी ये बात सोची, बिल्कुल जी, देखो बेटा जो कीड़े आपने देखा कि फ्लावर्स के पास फूलों के पास हमेशा आपके कीड़े मकोड़े मंडराते रहते हैं, क्योंकि जो पंखुड़ियां होती हैं ये कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जो पंखुड़ियां होती हैं ये कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। स्मेल इन फ्रूट्स इज ड्यू टू, फलों में खुशबू किसके कारण आती है, फलों में खुशबू किसके कारण आती है, सल्फर कार्बन एमाइड या एस्टर, फलों में जो खुशबू होती है वो किसके कारण आती है, बताइए फलों में खुशबू किसके कारण आती है, और फूलों में भी सेम ही रीजन है आपका, फूलों में भी सेम ही रीजन है, जो हम परफ्यूम वगैरह बनाते हैं फूलों से, जो परफ्यूम वगैरह बनाते हैं तो वो आपकी खुशबू किस वजह से आती है, फूल ही लिख लो इसको तुम लोग, फ्लावर ही कर लो इसको, ठीक है ना, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तुम लोग। फूलों में खुशबू इनमें से किसके कारण आती है बेटा, ईस्टर के कारण, किसके कारण होती है, इसके कारण आपकी ईस्टर के कारण होती है। एग्जाम्पल ऑफ द फॉल्स फ्रूट, असत्य फल का उदाहरण दीजिए, असत्य फल का उदाहरण दीजिए, देखो सत्य फल और असत्य फल क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना होगा, अगर आपके पोलन ग्रेन्स पराग गण, अगर आपके पोलन ग्रेन्स किससे बेटा ओवरी के साथ में मिलेंगे, अंडाशय से मिलेंगे, अगर ओवरी से मिलेंगे और अगर ये दोनों मिलकर आपका फ्रूट का निर्माण करेंगे तब ये जो बेटा क्या होगा आपका सत्य फल होगा, ठीक है। देन उसके बाद में अगर आपके पोलन ग्रेन एस्टिग्मा किससे बेटा, एस्टिग्मा स्टाइल या ओव्यूल इनमें से किसी से भी मिलेंगे और बेटा आपका फल बना लेंगे तो इस फल को हम लोग क्या बोलेंगे, असत्य फल बोलेंगे, इस फल को हम लोग असत्य फल बोलेंगे। तो यहाँ पर आपका असत्य फल का उदाहरण क्या है बेटा, एप्पल है, ठीक है, एप्पल है। अच्छा टमाटो जो है, टमाटर जो है यार ये तो सब्जी में होना चाहिए था, है ना, टमाटर तो हमारा सब्जी होता है, सब्जी होता है कि फल होता है बताना, टमाटर आपका वेजिटेबल है या फिर फ्रूट है, टमाटर आपका वेजिटेबल है या फ्रूट है, कोई बताएगा, एक बच्चा तो टमाटर लिख भी रहा है,
हाँ जी, टमाटर? नहीं बेटा, टमाटर आपका सब्जी नहीं, बल्कि टमाटर आपका एक फल है, ठीक है? टमाटर आपका एक फल है। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा तीन आवश्यक तत्व बीज के अंकुरण के लिए होने चाहिए, मतलब इनमें से वो तीन ऐसी कौन सी कंडीशन है जिनमें कोई भी आपका जो बीज होता है बेटा वो आपका अंकुरित हो सकता है, वो आपका जर्मिनेट कर सकता है, वो तीन कंडीशन कौन कौन सी है, वो तीन कंडीशन कौन कौन सी है बताइए फटाफट। किसी भी बीज के अंकुरित होने के लिए इनमें से तीन, किन तीन कंडीशंस का होना अनिवार्य होता है? वाटर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन। वाटर, ऑक्सीजन, सोयल। टेम्परेचर, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, लाइट, टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन, बताइए फटाफट। और भाई देखो सिंपल सी बात है, अच्छी लगे क्लास लाइक कर देना पहली बात तो, ठीक है? दूसरी बात क्या है बेटा, सिंपल सी बात है, जितना बच्चा क्लास में लाइव है मुझे उतना ही यहाँ पर आंसर दिखना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से सबका एग्जाम है, चाहे कोई भी हो, चाहे तुम्हारा यूपीपीसीएस हो, चाहे तुम्हारा यूपीएससी हो, चाहे तुम्हारा एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे तुम्हारा एमटीएस हो, रेलवे हो, कुछ भी हो, लेकिन एग्जाम सभी का है। इतना मुझे पता है कि जो बच्चा क्लास क्लास देख रहा है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट है और सबका एग्जाम है, दैट्स व्हाई आंसर सबको देना है। और जो बिना स्टूडेंट वाले हैं, सिर्फ नॉलेज के लिए बेटा आप लोग अपनी क्लास देख रहे हो, तो आप लोग भी कर लिया करो आंसर करने में, क्या ही जा रहा है यार, एबीसीडी लिखनी है। वॉटर, ऑक्सीजन और आपका क्या बेटा, वॉटर, टेम्परेचर और ऑक्सीजन, ठीक है? तीनों अगर आपके प्रेजेंट होंगे तो आपका कोई भी आपका क्या होगा बेटा, बैलेंस कंडीशन में होने चाहिए, और तो आपका कोई भी बीज आपका जर्मिनेट कर लेगा। पादप के किस भाग को पादपों का फेफड़ा कहा जाता है, बताइए पादप के किस भाग को पादपों का फेफड़ा कहा जाता है? What part of plant is known as lungs of plant? What part of plant is known as lung of plant? पादप के किस भाग को पादपों का फेफड़ा कहा जाता है? किसको कहते हैं बेटा हम लोग आपका, पत्ती को, पत्तियों को, है ना, पत्तियों को बोलते हैं। और किचन ऑफ द प्लांट, पौधों का रसोई घर भी, किचन ऑफ द प्लांट, किचन ऑफ द प्लांट यानी कि आपका पौधों का रसोई घर भी हम इसी को बोलते हैं, ठीक है जी? अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार, क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त हुआ गैस किससे आता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त हुआ गैस किससे आता है बताइए? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त हुआ गैस किससे आता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त हुआ गैस किससे आता है? ऑक्सीजन, विच इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, किससे मिलता है बेटा? जो ऑक्सीजन हमें प्लांट देते हैं वो किससे देते हैं? नहीं, क्लोरोफिल नहीं बेटा, वाटर का जो ऑक्सीजन होता है वही ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होकर आपका एनवायरनमेंट तक आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? रात में होता है, सिर्फ दिन में होता है, सिर्फ रात में होता है, या दिन और रात दोनों में होता है, या फिर आपका दिन और रात दोनों में होता है? तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण इनमें से किस समय होता है, फटाफट बताओ, प्रकाश संश्लेषण इनमें से किस समय होता है? तो प्रकाश संश्लेषण आपका दिन और रात दोनों होता है, लेकिन रात में थोड़ा सा आपका कम होता है। जैसे आपको एक पता होगा कि हम लोग बोलते हैं कि पीपल के पेड़ को हमें काटना नहीं चाहिए, ठीक है? कि एक एक्चुअली पता है क्या, इंडिया में ना एक वो है कि जब भी कभी तुम्हें अपनी किसी साइंटिफिक चीज को मनवाना हो तो आप लोग उससे कुछ ना सुपरस्टिशियस कुछ चीजें, मतलब कुछ धर्म की चीजें आप लोग जोड़ दीजिए, ऐसे लोग नहीं मानेंगे, है ना? ऐसे लोग, अभी जैसे मान लिया आपको, आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, जैसे थ्री कौन सी आई थी यार, वो मूवी आई थी एक आमिर खान वाली, जिसमें वो उसका वो खो जाता है यार, वो एलियन होता है और वो वहां पे जो पहनता है वो खो जाता है, कौन सी, पीके, है ना? उसमें वो क्या करता है, लाइक तुम्हारी किसी से लड़ाई हो रही है, तुम उसको दे मुक्का मारोगे, इधर उधर मारोगे, है ना? अभी वो क्या करता है, स्टिकर चिपका लेता है अपने गाल पे, अब मार के दिखाओ, है ना, अब मार के दिखाओ, फिर तुम नहीं मारोगे, तुम भी नहीं मारोगे, पता है, सच में भी नहीं मारोगे तुम लोग, है ना? किसी ने टी शर्ट पहनी हुई है भोले बाबा वाली, तुम ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो जाओगे, भोले बाबा है, है ना? क्योंकि अगर इंडिया में ये चीज है कि अगर तुम्हें साइंटिफिक चीजों को मनवाना है या तुम्हें किसी अपनी बात को ऊपर करना है तो तुम उसे धर्म से जोड़ दो,
है ना, तुम उसमें थोड़ा बहुत उसको सुपरस्टिशियस ढंग से उसको समझाने की कोशिश करो, तो पीपल के पेड़ पर ना भूतों का वास है ना देवताओं का वास है, ठीक है। हम उसको देवता की कैटेगरी में इसलिए लेके आते हैं क्योंकि पुराने समय पर अगर किसी की पूजा हुआ करती थी तो बेटा आपकी जो नेचुरल चीजें हैं, अगर आप लोग हिस्ट्री में पढ़ोगे वैदिक काल वगैरह में, तो वहां पर आप लोगों को क्या बताया जाता है कि आप लोगों की जो पूजा उस समय हुआ करती थी, नदियों की, पेड़ पौधों की, इनकी पूजा हुआ करती थी, मूर्ति पूजा उस समय पर नहीं थी, है ना। देन उसके बाद में बेटा आपका क्या, बाद में आई मूर्ति पूजा तो आपकी, तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये सब आपकी वो चीजें हैं जो एक्चुअली में मतलब जिनको हमें मिलनी चाहिए कि इनको रिस्पेक्ट, और एक तरह से मतलब पूजा का साधन यही है मेन। तो पीपल के पेड़ को लेकर जो भी आपकी हैं कि देवता हैं या भूतों का वास है, ना भूत रहते हैं ना कोई देवता रहते हैं, वो आपका नॉर्मल बाकी प्लांट्स की तरह ही है, लेकिन दिन और रात में जो ऑक्सीजन का लेवल है, देखो सिंपल सी बात है, अगर ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करेंगे तो खुद को फिर खुद का रेस्पिरेशन कैसे होगा, तो रिलीज तो ये भी करते हैं, लेकिन पीपल का पेड़ क्या करता है, बाकी प्लांट की अपेक्षा आपका कम करता है, ठीक है। दैट्स व्हाई कि दिन और रात ही आपका फोटोसिंथेसिस होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एक जड़ों का कार्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ों का कार्य नहीं है, बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ों का कार्य नहीं है, फोटोसिंथेसिस, वाटर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स, या फिर गिव सपोर्ट, इनमें से आपका जड़ों का कार्य कौन सा नहीं है, निम्नलिखित में से जड़ों का कार्य कौन सा नहीं है। नहीं देखो भाई, मेरा तो सिंपल सा ये फंडा है कि आई बिलीव इन गॉड, दैट्स इट, ठीक है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, इफ पॉजिटिव एनर्जी इज प्रेजेंट देन नेगेटिव एनर्जी इज आल्सो, बट नेगेटिव एनर्जी इज व्हाट, हमारे अंदर का डर, वही नेगेटिव एनर्जी है यार। भूत प्रेत नहीं एग्जिस्ट करते रियल लाइफ में, नहीं होते भाई, हमारे अंदर की जो एक फियर है, जो डर है हमारे अंदर का, जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उस डर के समय पर, वही नेगेटिव एनर्जी का रूप ले लेते हैं। और हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है कि जो चीज हम सोचते हैं वो चीज हम कर सकते हैं, बस उसे अगर पूरी लगन और मन से करें, है ना। बिल्कुल जी, किसी का भी रूप अपने साथ में तैयार, अपने सामने हम लोग तैयार कर सकते हैं, इतनी पावर होती है हमारे ब्रेन के अंदर, जिसको हम लोग हेलुसिनेशन बोलते हैं। अब छोड़ो यार, मैं इतनी ज्यादा ट्रिकी बातें करूंगी तो तुम लोग पक जाओगे। देखो फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में पता है क्या, जब कोई भी आपका बीज होता है, जब वो आपका बढ़ना शुरू होता है, जैसे मान लिया ये आपका बीज है, जब ये आपका बढ़ना शुरू होगा तो इसमें ना आपके दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लिम्यूल और एक होता है रेडिकल। रेडिकल आपका कन्वर्ट होता है किसमें, जड़ में, और प्लिम्यूल से आपका स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, ये सब की सब आपके प्लिम्यूल से निकलती हैं। तो अगर हम लोग इस टर्म में देखो तो फोटोसिंथेसिस आपका दो टाइप का होता है, एक होता है आपका नेगेटिव फोटोसिंथेसिस और एक आपका होता है पॉजिटिव फोटोसिंथेसिस। पॉजिटिव फोटोसिंथेसिस वो जो प्रकाश की दिशा में ही आपका क्या होता है बेटा, विकसित होता है, ठीक है, और नेगेटिव फोटोसिंथेसिस जो आपके प्रकाश की दिशा के अपोजिट आपका विकसित होता है। तो जड़ को एक्चुअली हम लोग नेगेटिव फोटोसिंथेसिस में लेते हैं, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा डीप में नहीं पहुंचेगा। वो क्या बोलते हैं कि भैया फोटोसिंथेसिस आपका सिर्फ और सिर्फ प्रकाश की प्रेजेंस में होता है, लेकिन एक्चुअल साइंस क्या है वो मैंने आपको समझा दी है। यहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट को और बेटा सपोर्ट देना, तीनों जड़ के मैक्सिमम मतलब आपके क्या है, मेजोरिटी वाले काम है, लेकिन फोटोसिंथेसिस इतना मेजोरिटी वाला काम नहीं है। ओके, निम्न में से किसमें आपका सबसे अधिक और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्षमता पाई जाती है, इनमें से किसके अंदर आपकी क्या बेटा सबसे अधिक और ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करने की, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम एफिशिएंसी टू कन्वर्ट द सोलर एनर्जी, मैं भी वही बोल रही थी, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा सबसे अधिक सौर ऊर्जा को, और ऊर्जा नहीं, सौर ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट कर पाता है, बताइए इनमें से। यार लाइक करे शो बड़ा गंदा है तुम्हारा। सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट कर पाता है, फटाफट बताइए, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट कर पाता है आपका, कोलरा, ठीक है। प्लांट विच फ्लावर्स ओनली वंस इन आवर लाइफ, ऐसे पौधे जिनमें एक ही बार फूल आते हैं, ऐसे पौधे जिनमें एक ही बार फूल आते हैं क्या कहलाते हैं, फूल वो वाला फूल नहीं जो आप लोग समझ रहे हो, फूल मतलब फ्लावर वाला फूल, ऐसे पौधे जिनमें एक ही बार फूल आते हैं क्या कहलाते हैं, ऐसे पौधे जिनमें एक ही बार फूल आते हैं क्या कहलाते हैं आपके, मोनोकार्पिक, क्या कहलाते हैं बेटा, ये आपके मोनोकार्पिक कहलाते हैं, ठीक है जी। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अनाज की
हिंदी में थोड़ा सा ना क्वेश्चन आपके गड़बड़ है, इंग्लिश को ज्यादा प्रेफर करना. विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स हेल्प्स इन द इंप्रूविंग बोथ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द ड्राई मैटर इन लीफी वेजिटेबल्स एंड प्रोटीन इन ग्रेन क्रॉप्स. इनमें से वो कौन सा आपका खनिज तत्व है जो कि प्लांट्स के अंदर, जो आपके प्लांट्स के अंदर जो आपका सूखा पदार्थ होता है और जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनमें प्रोटीन्स को बढ़ाने में मदद करता है, और जो ग्रेन क्रॉप्स होती हैं आपकी, मतलब जो आपकी एक तरह से जो दानेदार जो आपकी फसलें होती हैं उनके अंदर भी प्रोटीन लेवल को बढ़ाने में मदद करता है, उनके अंदर भी आपका प्रोटीन लेवल को बढ़ाने में मदद करता है और ग्रोथ में भी मदद करता है. कौन सा बेटा आपका क्या मदद करता है इनमें से? आपका कॉपर. ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्लांट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट थ्रू देयर, पौधे अपना ब्लैंक के माध्यम से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं. प्लांट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स थ्रू देयर, बताइए क्विकली बताइए. प्लांट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स थ्रू देयर, पौधे अपने ब्लैंक के माध्यम पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं सबसे ज्यादा. बिल्कुल जी, किसके बेटा? जड़ों के माध्यम से. किसके माध्यम से? सबसे ज्यादा जड़ों के माध्यम से अब्सॉर्ब करते हैं. दालें किसका अच्छा स्रोत है, यानी दाल में, पल्सेस में आपके सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? विटामिन्स पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, या फैट पाए जाते हैं, या फैट पाए जाते हैं. पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ दाल इनमें से किसका अच्छा स्रोत है? दाल इनमें से किसका अच्छा स्रोत है, बताइए. दाल इनमें से किसका अच्छा स्रोत है बेटा? आपका प्रोटीन का. किसका अच्छा स्रोत है? ये आपका प्रोटीन का है. पौधों में शर्करा किस रूप में संश्लेषित की जाती है? पौधों में शर्करा किस रूप में, मतलब जो आपकी कार्बोहाइड्रेट होती है वो प्लांट में किस फॉर्म में, जैसे हमारे अंदर ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है बेटा? ग्लाइकोजन की फॉर्म में, है ना. हमारे अंदर अगर पूछा जाए कि ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में. सेम कार्बोहाइड्रेट आपके प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? प्लांट के अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर रहते हैं? बिल्कुल सेल्यूलोज की, तो बेटा उनकी सेल वॉल बनी होती है. सेल्यूलोज की भी नहीं, सेल्यूलोज प्लस हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है. स्टार्च की फॉर्म में. किस फॉर्म में बेटा? आपके स्टार्च की फॉर्म में. अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार, क्या है? गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट इन, गार्ड सेल्स आपकी कहां पाई जाती है? गार्ड सेल्स आपकी कहां पाई जाती है, बताइए. गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट इन, गार्ड सेल्स कहां पाई जाती है, फटाफट बताइए. गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट इन, कहां पाई जाती है बेटा? आपकी पत्तियों में, लीफ में आपकी गार्ड सेल्स पाई जाती हैं. अगला क्वेश्चन क्या है आपका? कर्क्यूमिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग मॉडरेट करेंगे इसको आप लोग, कि कर्क्यूमिन या कर्क्यूमस लोंगा आपका किसका रासायनिक नाम होता है? दोपहर वाली क्लास में भी मैंने आपको ये कराया था. एक्चुअल आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन ऐसा सा ही पूछा गया था, वो क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है, लेकिन थोड़ा सा एक्चुअली में इसको मॉडिफिकेशन की जरूरत थी. कर्क्यूमिन लोंगा आपका किसका रासायनिक नाम होता है? तो ये किसका होता है बेटा? आपका टर्मरिक का होता है, हल्दी का होता है. ओके जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेम द डिजीज ऑफ द प्लांट इन विच लीव्स ब्रांचेस फ्रूट्स ऑल आर अफेक्टेड, उस रोग का नाम बताइए जिसमें पत्तियां, आपका फल, और क्या बेटा? आपकी पत्तियां, फल और आपकी ब्रांचेस जो होती हैं, जो शाखाएं होती हैं, जो शाखाएं होती हैं वो सब की सब आपकी अफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं. ये सब की सब आपका अफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं. बताइए उस बीमारी का नाम क्या है? उस बीमारी का नाम क्या है, है ना, क्विकली बताइए. उस बीमारी का नाम क्या है?